एवरीवन, कैसे आप सब? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट। हमने प्रीवियस क्लास में अपना एक नया चैप्टर शुरू किया था, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। आज हम उसी को ही आगे प्रोसीड करेंगे। आज हम थोड़े से और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। बिजनेस एंटिटी क्या होता है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या होता है, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या होता है और अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या होता है, आज हम उनके बारे में समझेंगे। प्लस अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। प्लस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्किप करोगे तो आपके छोटे छोटे पॉइंट्स रह जाएंगे, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। तो चलिए आज की क्लास हम करते हैं स्टार्ट। हेलो एवरीवन, तो आज का हमारा टॉपिक है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। हमने प्रीवियस क्लास में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ लिए हैं, क्या इसके फीचर्स हैं, क्यों इनकी ज़रूरतें हैं, और अकाउंटिंग अजम्पशंस भी पढ़ ली है, क्या क्या मेरी अकाउंटिंग अजम्पशंस है। तो आज हम थोड़ी सी और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को कवर करेंगे। अगर किसी ने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देख लेना। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जिसके ऐप से आपके बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हमने प्रीवियस क्लास में समझा था अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक सेट ऑफ नॉर्म्स है, लॉज है, या फिर सेट ऑफ रूल्स है, नॉर्म्स है, लॉज है, जो कि एवरी अकाउंटेंट को फॉलो करना ही पड़ता है जब भी कोई वो अकाउंट्स मेंटेन करता है। और ये चीज़ जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है वो ग्लोबली फॉलो होते हैं, मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इंडिया ही फॉलो कर रहा है, वो फॉरेन कंट्रीज भी फॉलो करती है। क्लियर? प्रीवियस क्लास ज़रूर देख लेना इस क्लास को समझने से पहले। तो आज हम थोड़ी सी और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कवर करेंगे। तो आज की हमारी जो पहली अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है वो है बच्चों बिजनेस और अकाउंटिंग एंटिटी कंसेप्ट। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखो, मैंने जब आपको अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी वाली क्लास में बताया था कि कैपिटल होती है, ठीक है, कैपिटल क्या होती है और ऑनर क्या होता है, ऑनर या फिर प्रोप्राइटर क्या होता है। कैपिटल क्या होती है बच्चों? जो भी बंदा बिजनेस, जो भी पर्सन बिजनेस स्टार्ट करता है वो इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, उसको हम बोलते हैं कैपिटल, ठीक है। तो अगर सपोज मैं हूँ, मैं अगर बिजनेस में, मैं ABC हूँ, मैंने बिजनेस स्टार्ट करने की सोचा, तो मेरे पास 10 लाख रुपए थे, मैंने बिजनेस में लगा दिए, ठीक है, मैंने एक बिजनेस शुरू किया, ठीक है, ये मेरा हो गया बिजनेस। तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो मैं हूँ ABC है, ABC ने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो वो क्या होगा, इसका ऑनर होगा या फिर प्रोप्राइटर होगा, ठीक है। और जो इसने अमाउंट इन्वेस्ट किया बिजनेस में उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कैपिटल बोलते हैं। और ये क्या है? बिजनेस की लायबिलिटी है कि बिजनेस को इस कैपिटल को वापस करनी है ऑनर को। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि बिजनेस अलग है, ऑनर अलग है। क्या हो रहा है बच्चों? ऑनर अलग है, मतलब मैं अलग हूँ और जो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है वो अलग एंटिटी है। क्लियर? मतलब जो मैं पैसे डालूंगी बिजनेस के अंदर, तो बिजनेस जब भी वाइंड अप होता है, कुछ भी होता है, तो बिजनेस को क्या है, मेरे को वो पैसे देने पड़ेंगे वापस। बिजनेस के ऊपर ये बोझ है, बिजनेस उसको अपना पैसा नहीं मानता, वो कहता है ये ऑनर का पैसा, ये मेरी लायबिलिटी है, ये मुझे पे ऑफ करना है। तो यहाँ पर मुझे क्या पता लगता है कि ऑनर अलग है, ठीक है, ऑनर अलग है, सेपरेट है, और बिजनेस अलग है। अब बच्चों ऐसा क्यों है, इसका मैं आपको रीजन बताती हूँ। मैं ABC हूँ, मैंने एक बिजनेस शुरू किया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने बिजनेस शुरू कर लिया, उसके बाद मुझे 10 लाख, मैंने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, तो मैंने क्या किया, बिजनेस में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। उसके बाद थोड़े दिन बाद मुझे क्या पड़ी, 1 लाख की जरूरत पड़ी, तो मैंने क्या किया, 1 लाख निकाल लिया बिजनेस के अंदर, ठीक है। फिर थोड़े टाइम बाद मुझे 2 लाख की बिजनेस की 2 लाख रुपीज़ की जरूरत पड़ी, तो मैंने फिर से बिजनेस के अंदर से 2 लाख रुपये निकाल लिए। ऐसे करते 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 मैंने बहुत सारे पैसे निकाल लिए। तो अगर हम ये मान के चलेंगे कि मैं सेम हूँ, बिजनेस सेम है, तो क्या हो रहा है, हमें क्या दिखेगा कि बिजनेस के अंदर से पैसा ही नहीं आ रहा, बिजनेस के अंदर पैसा ही नहीं है, वो निकले जा रहा है, और प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन ही नहीं होगी, क्योंकि वो सोचेगा ये हमारा ही बिजनेस है और हम पैसे निकालते रहेंगे। लेकिन अगर हम ये सोचेंगे बिजनेस अलग है, ऑनर अलग है, तो इसका भी पूरा का पूरा अकाउंट्स मेंटेन होगा। मतलब अगर मैं बिजनेस से पैसा निकालती हूँ तो मैं एज अ लोन ही पैसा निकालूंगी या एज अ ड्रॉइंग ही पैसा निकालूंगी, ये नहीं है कि मैं अपना पैसा निकाल रही हूँ, समझ रहे हो। जैसे एक बैंक होता है, बैंक में आप पैसा डिपॉजिट कर देते हो, फिर आप कभी भी निकालते रहते हो, तो वो आपका मेंटेन होता है। लेकिन हमें बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं करना, बिजनेस अलग एंटिटी है और
पर्सन ऑनर अलग एंटिटी है, अगर वो बिजनेस से कुछ पैसा डालता है तो उसको कैपिटल की तरह ट्रीट करते हैं, उसको लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करता है बिजनेस, कि बिजनेस को ये पैसा पे ऑफ करना है। और अगर पर्सन या फिर प्रोप्राइटर उसमें से पैसा निकालता है, पैसा निकाल रहा है, तो उसको एक ड्रॉइंग की तरह कंसिडर करता है, मतलब उसमें से कैपिटल उसकी कम 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 होती जा रही है। तो इजिली अच्छे से मेंटेन करने के लिए, प्रॉपर रिकॉर्डिंग करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस के फिगर ठीक आए, क्योंकि अगर हम मिक्स कर देंगे ना दोनों को, अगर सब कुछ मिक्सअप हो जाएगा, ऑनर भी सेम है और बिजनेस भी सेम है, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, अलग लीगल एंटिटी नहीं है, तो सब कुछ मैसअप हो जाएगा और प्रॉपर अकाउंटिंग हो ही नहीं पाएगी। अगर क्या है, ऑनर को कुछ गुड्स की जरूरत पड़े जो कि बिजनेस ही बनाता है, तो चुपचाप वो गुड्स निकाल लेगा, ठीक है, वो आराम से गुड निकाल लेगा, कुछ रिकॉर्डिंग ही नहीं होगी, कि ठीक है उसका तो अपना ही बिजनेस है और उसने निकाल लिया, प्रॉपर रिकॉर्डिंग कुछ भी नहीं होगी। तो अगर हम सब सेपरेट चीज़ें निकाल के चलेंगे, कि अगर उसने कुछ चीज़ खरीदी भी है तो भी हमें उसका अलग ट्रीटमेंट करके दिखाना है, मतलब प्रॉपर जैसे कि ऑनर जो है वो आउटसाइडर ही है, कि बिजनेस और अकाउंटिंग एंटिटी एक्सपेक्ट, मतलब बिजनेस अलग है और ऑनर अलग है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर वो कुछ खरीदता भी है बिजनेस के अंदर, तो भी हम उसको ड्रॉइंग की तरह कंसिडर करेंगे, या फिर हम उसको एक क्रेडिटर की तरह कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ें हम आगे जनरल एंट्रीज में समझेंगे, बस आपको यही याद रखना है कि अगर ऑनर कुछ भी बिजनेस में ट्रांजेक्शंस कर रहा है, तो वो एक आउटसाइडर की तरह ही उसको हम ट्रीट करेंगे। आउटसाइडर की तरह ट्रीट मतलब कि ये बाहर का ही पर्सन है, क्योंकि हम अलग ही मानते हैं, बिजनेस को अलग मानते हैं और ऑनर को अलग मानते हैं, क्लियर। अगर वो पैसा इन्वेस्ट करता है तो वो कैपिटल होती है, बिजनेस की लायबिलिटी होती है, बिजनेस को उसको पे ऑफ करना पड़ता है। अगर वो पैसे निकाल रहा है तो उसको मैं ड्रॉइंग की तरह कंसीडर करती हूँ, मतलब कैपिटल में से मैं डिडक्ट करती रहती हूँ। अगर वो बिजनेस से कुछ परचेज कर रहा है तो भी मैं उसको कहूँगी, ऑनर को, कि तू जो भी तूने परचेजेस की है, या तो उसको तू ड्रॉइंग की तरह कंसिडर कर कि तूने पैसे निकाल लिए, या तो उसको बिजनेस को तू पे ऑफ कर, ठीक है। तो कोई भी ऑनर ऐसा ऐसे पैसे नहीं निकाल सकता, अगर वो निकाल भी रहा है तो उसको हम एक ड्रॉइंग की तरह कंसिडर करेंगे, क्लियर। उसकी भी प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन होगी। ये नहीं है कि अगर ऑनर ही पैसा निकाल रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑनर और बिजनेस तो सेम है, तो ये पता लगे कि ऑनर के बच्चों की स्कूल फीस है वो सारी बिजनेस से जा रही है, ठीक है। और बिजनेस क्या कर रहा है, देखो एक और मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। सपोज ऑनर है, ऑनर प्रोप्राइटर, उसके दो बच्चे हैं, ठीक है, उनकी स्कूल फीस हर महीने की जा रही है 50,000 रुपये, ठीक है। ऑनर का क्या है बच्चों, ये पर्सनल खर्चा है, और ऑनर क्या कर रहा है बिजनेस में, बिजनेस का जब वो प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा है, तो अपने बच्चों की स्कूल फीस को क्या कर रहा है, वो 50,000 रुपये हर महीने लेस कर रहा है। तो अगर हम बिजनेस में इस ऑनर की फी, ऑनर के बच्चे की फीस को एक्सपेंस मान के चलने लग जाए, तो हम क्या सोचेंगे, यार प्रॉफिट तो बहुत ही कम आ रहा है, एज अ बिजनेस क्या कर रहा है, बिजनेस तो कुछ भी काम नहीं कर रहा, तो हमारा क्या होगा, रिजल्ट सही नहीं आएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम ऑनर के पर्सनल खर्चे को बिजनेस के एक्सपेंस मान के चल रहे हैं, क्लियर। जैसे बिजनेस के जो अपने एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे ऑफिस का रेंट हो गया, ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ऑफिस का वाटर बिल हो गया, वो बिजनेस से रिलेटेड खर्चे हैं, ठीक है जी। लेकिन जो ऑनर के अपने खर्चे हैं, जिस ऑनर में जो उसका रेजिडेंट का अगर रेंट जा रहा है, तो वो ऑनर का अपना खर्चा है। अगर बिजनेस उसको पे करेगा तो वो क्या मानेगा कि ऑनर ने ड्रॉइंग कर दी, मतलब हम उसके कैपिटल में से रिड्यूस करेंगे, क्लियर। तो जो भी ऑनर के पर्सनल खर्चे होंगे उसको हम सेपरेट ही दिखाएंगे, उसको हम बिजनेस में ऐसे मानेंगे कि ऑनर ने ड्रॉइंग्स कर ली है, क्लियर। तो जो भी ऑनर के बच्चों की स्कूल फीस भी गई, वो बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं माना जाएगा, ध्यान रखना, वो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं माना जाएगा, वो ऑनर का ही एक्सपेंस है। अगर ऑनर बिजनेस से पैसे निकालता है उस काम के लिए, स्कूल फीस पे करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, हम उसको ड्रॉइंग की तरह कंसिडर करेंगे, हम उसको कैपिटल में से डिडक्ट कर लेंगे। तो बिजनेस अलग है, कैपिटल प्रोपराइटर अलग है, तो प्रोपराइटर के जो भी सारे एक्सपेंस होंगे वो हम अलग ही रखेंगे, जिसे मिक्स ना हो, क्योंकि अगर उसने क्या किया, स्कूल फीस एक्सपेंस एक्सपेंस मान के, बिजनेस का एक्सपेंस मान के चलने लग गया, तो उसको लगेगा कि मेरा 50,000 जो है वो कम प्रॉफिट हो रहा है, मतलब ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड तो खर्चे नहीं है। तो बिजनेस के सारे एक्सपेंसेस अलग और प्रोप्राइटर के सारे एक्सपेंसेस अलग, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सारे प्रोप्राइटर के खर्चे भी बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस निकालने में आते रहेंगे, तो क्लियर पिक्चर, ट्रू और फेयर पिक्चर नहीं मिलेगी, हमेशा जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो गलत ही कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो अब हम इसका थोड़ा सा थ्योरी पढ़ के देखते हैं, थ्योरी क्या बोलती है। दिस कंसेप्ट होल्ड एट द बिजनेस
इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर। जो अभी तक हमने सारी स्टोरी समझी है स्कूल फीस वाली, रेंट वाली, वो देखो इसी से ही आप को रिलेट करो कि जो बिजनेस है वो सेपरेट है, बिल्कुल अलग है अपने ऑनर से। ट्रांजेक्शन देयर फॉर इज रिकॉर्डेड फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस। इसलिए बिजनेस के व्यू पॉइंट से ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी। जैसे कि अगर प्रोप्राइटर पैसे ला रहा है तो बिजनेस की क्या है, वो लाइबिलिटी है, तो वो लाइबिलिटी साइड एज अ कैपिटल की तरह लिखा जाएगा। क्लियर? और अगर बिजनेस से वो कुछ पैसे निकाल रहा है अपना खर्चा खर्चा चलाने के लिए, तो उसको हम एज अ ड्रॉइंग कंसिडर करेंगे कि उसने कैपिटल में से इतने पैसे निकाले। तो हमारा बिल्कुल पक्का हो गया है, बिजनेस एंड अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अभी हम आगे वाले जो भी हम आगे अकाउंट्स पढ़ेंगे उसमें आपको हर पॉइंट पे ये कॉन्सेप्ट यूज होगा, तो बिल्कुल आपको अच्छे से इसको क्लियर करना है। छोटी सी चीज़ है, इतना कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। बिजनेस के खर्चे अलग होंगे, बिजनेस अलग है, ऑनर अलग है, ऑनर के खर्चे अलग होंगे, हम दोनों को मिक्सअप नहीं करेंगे। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट हम अपना अकाउंटिंग प्रिंसिपल चलते हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल इम्प्लाइड ही है जो हमारा नेक्स्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। नेक्स्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है बच्चों? मेरा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। देखो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट नाम से ही पता लग रहा है, मनी मतलब पैसा। पैसे में जो चीज मेजर हो जाए वही हमारी अकाउंट्स में आएगी। जो चीज हम पैसे में मेजर कर सकते हैं, जो चीज हम मतलब जो जिस चीज को भी हम पैसे में रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिस चीज को भी हम मनी में रिकॉर्ड कर सकते हैं, वही हमारी अकाउंट्स मेंटेन करने में हेल्प होगी। अब देखो जैसे कि आपकी जो क्वालिटी है, जो भी आप मटेरियल प्रोडक्ट अपना मैन्युफैक्चर कर रहे हो या फिर ट्रेडिंग कर रहे हो उसमें, तो आपकी जो क्वालिटी चाहे कितनी भी अच्छी हो कितनी भी बुरी हो, वो मॉनेटरी टर्म में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो हमारी वो चीज़ मेजर नहीं होगी। ठीक है? अगर आपका कोई इम्प्लॉय है वो बहुत अच्छा है, वो बहुत ऑनेस्टली काम कर रहा है, लेकिन आप उसकी ऑनेस्टी को आप मनी में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो चीज़ मनी में नहीं कन्वर्ट हो सकती, तो वो भी आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते बुक्स में कि ये वाला जो एम्प्लॉय है ये हमारा बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये वाला एम्प्लॉय बहुत बुरा काम कर रहा है। ठीक है? तो वही वाली चीज़, वही वाले ट्रांजेक्शन्स, वही वाले इवेंट्स आप वही अकाउंट्स मेंटेन करने में यूज़ करेंगे जिनको हम मनी में दिखा सकते हैं, मनी में शो कर सकते हैं। आप देखो इसके अंदर एक और चीज़ आती है, आपकी जो गुडविल है, गुडविल मैम मनी इसमें कवर होगी या नहीं कवर होगी? बच्चों जो गुडविल है, गुडविल अगर आप गुडविल क्या होती है, गुडविल जो है अगर आप किसी को अपना ब्रांड वगैरह बेचो तो आपको जो पैसे मिल जाते हैं वो हमारी गुडविल है। तो गुडविल तो हमारी इजीली मॉनिटर हो रही है ना, इजीली मॉनिटर, इजीली हम कन्वर्ट कर सकते हैं ना उसे मनी में, तो गुडविल हमारी हमेशा अकाउंट्स मेंटेन करने में आएगी। क्लियर? क्योंकि गुडविल क्या होता है, गुडविल के बदले हमें पैसा मिलता है, गुडविल के बदले हमें पैसा मिलता है, गुडविल की वजह से हमें पैसे मिलते हैं, तो इसलिए जो है वो गुडविल को भी हम इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं अपने मनी में। तो गुडविल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अकाउंट्स, तो जब भी हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं वो गुडविल भी आती है। तो बस हमें बेसिकली यही चीज़ें देखनी है कि वो वाली चीज़ जो कि हम मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस कर सके उसको ही हम अकाउंट्स में डालेंगे। तो ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। वो वाली ट्रांजेक्शन देखो अब हम पढ़ते हैं, अगर हम इससे लिंक करके, दिस कंसेप्ट होल्ड दैट ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स दैट कैन बी एक्सप्रेस इन मॉनिटरी टर्म्स आर रिकॉर्डेड। वो ट्रांजेक्शंस, हमें कीवर्ड क्या याद करने हैं, वो ट्रांजेक्शंस और वो इवेंट्स जो भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो भी हम दिखा सकते हैं किसमें, मनी में, मॉनिटरी टर्म्स में, उसको हमें रिकॉर्ड करनी है। देन क्या है, दी ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट हाउ एवर इम्पॉर्टेंट दे मेन बी डेट कांट बी मेजर इन मॉनिटरी टर्म। वो ट्रांजेक्शन या इवेंट जो कि कितने भी इम्पॉर्टेंट हो लेकिन अगर वो मॉनिटरी टर्म में एक्सप्रेस नहीं हो पा रही तो हम उसको नहीं रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि क्वालिटी होगी या फिर लॉयलिटी ऑफ इम्प्लॉयज हो गई, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, चाहे कोई इम्प्लॉयज कितना भी अच्छा काम कर रहा हो, चाहे आपके प्रोडक्ट जिसमें भी आप डीलिंग कर रहे हो वो कितना भी अच्छा हो, उसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते मॉनिटरी टर्म में, तो वो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सिंपल सा कंसेप्ट है, क्या है हमारा एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कि जो भी चीज़ हमारी मॉनेटरी में एक्सप्रेस होगी उसी में तो हम अकाउंट्स को लेंगे। अब सिंपल सी चीज़ है जिसमें आपका फिगर्स ही नहीं आएगी, जो जिस किसी की आपकी फिगर ही नहीं आएगी, उसको हम कैसे बुक्स में डाल सकते हो, कैसे उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सकते हो? तो क्लियर, ये हमारा मनी मेजरमेंट क्या होगी, वो ट्रांजेक्शन्स
और वो इवेंट जो कि हम एक्सप्रेस्ड कर पाए किसमें, मॉनिटरी टर्म, उसको हम क्या, उसको हम अकाउंट्स में ही लेंगे। अदरवाइज जो चाहे वो कितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ हो लेकिन हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे मॉनिटरी टर्म में, तो वो हम कर देंगे इग्नोर, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे अकाउंट्स में। कंसिडर भी कैसे करेंगे, आप खुद बताओ, आप क्वालिटी को कैसे कंसिडर कर सकते हो, ये इम्प्लॉयज़ बहुत अच्छा है इसको आप कैसे लिख सकते हो, नहीं लिख सकते ना। फिगर्स में, मॉनिटरी टर्म में आप उसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो। थर्ड बच्चों हमारी जो आती है वो आता है हमारा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर आपने मेरी प्रीवियस क्लास देखी हो उसमें मैंने आपको बताया था गोइंग कंसर्न बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग अजम्पशन थी। उसमें हम क्या कह रहे थे, जैसे पानी चलता रहता है चलता रहता है, ऐसे हम क्या एज्यूम करके चलते हैं, क्या एजम्पशन चलती है हमारी कि हमारा जो बिजनेस है वो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा इनडेफिनिट पीरियड तक। हम दिमाग में ये डाल के नहीं चलते हैं कि हमारा बिजनेस आगे जल्दी ही बंद होने वाला है 6 महीने में 1 साल में, क्योंकि उससे उसी जब हम दिमाग में ये डाल के चलेंगे कि जो बिजनेस है वो हमारा चलता रहेगा तभी हम अपना बिजनेस में मेहनत कर सकते हैं। अगर हमें लगेगा कि हम 3 महीने बाद 6 महीने बाद इसको बंद कर देंगे तो हमारा मन भी नहीं लगेगा इतना मेहनत करने का, जब इसको बंद ही होना है तो हम इतना हार्ड वर्क क्यों करें। ठीक है, और मैंने आपको कंसेप्ट का भी काफी सारे एग्जांपल दिया था कि तभी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये मेरे फिक्स्ड एसेट्स है, मेरे करंट एसेट्स है, वो सब चीजें मैंने आपको बताई थी पिछली क्लास में गोइंग कंसर्न में। तो ऐसे ही अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट को मैं उससे लिंक करूंगी। मैंने क्या बताया था कि जो बिजनेस है हम वो अज्यूम करके चलेंगे कि हमारा जो है वो गोइंग कंसर्न है, आप देखो चलता रहेगा बिजनेस चलता रहेगा चलता रहेगा। जैसे आप हो, आप स्कूल में जाते हो तो आपको ये होता है कि आपको बड़े होकर क्या बनना है, ठीक है, उस बड़े होकर क्या बनना है, उसके लिए आपका टाइम टू टाइम एग्जामिनेशन होता है, आपने फर्स्ट में देते हो, सेकंड में देते हो, थर्ड में देते हो, फोर्थ में देते हो, तब जाके आप 10th करते हो, 12th करते हो, उसके बाद जो आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है वो करते हो, प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद आप लाइफ में कुछ बन जाते हो। लेकिन अगर आपका टाइम टू टाइम एनालाइज नहीं हुआ हुआ जाए कि आपका जो एजुकेशन लेवल है, जो आप पढ़ रहे हो, वो कितना समझ आ रहा है आपको, कितना आप समझ रहे हो उस चीज़ को, तो वो बहुत ज़रूरी है आपका टाइम टू टाइम। ऐसे ही अगर हम जो अकाउंट बिजनेस है, बिजनेस का मेन मोटिव तो यही होता है कि हमें प्रॉफिट कमाना है, लेकिन बिजनेस को टाइम टू टाइम इवैल्यूएट भी तो करने की ज़रूरत है। जैसे हम अपने आप को इवैल्यूएट कर रहे हैं, हम हर साल अपनी, हमारे एग्जाम्स हो रहे हैं, हमारी रिपोर्ट कार्ड आ रही है, वो सब चीज़ें हो रही है, ऐसे ही बिजनेस को भी ज़रूरी है टाइम टू टाइम इवैल्यूएशन करके बिजनेस ठीक ट्रैक पे चल रहा है, हमें प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है, अगर लॉस आ रहा है तो हमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कंसिडर करने हैं जिससे मेरे को प्रॉफिट आ जाए। हम सारे लूप होल्स अपने ढूंढते हैं जैसे हम प्रैक्टिकल लाइफ में अपना एग्जाम्स को लेकर करते हैं, तो ऐसे ही अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट में क्या है, हम ये मान के चलते हैं जो हमारा बिजनेस है वो इनडेफिनेट टाइम तक आना है, लेकिन उसके तो हम क्या करते हैं, हम ना छोटे छोटे अपना पीरियड्स में ब्रेक कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, इस जो हमारे इनडेफिनेट पीरियड तक बिजनेस चलेगा उसको हम ब्रेक कर लेते हैं, छोटे छोटे पीरियड्स में डिवाइड कर लेते हैं, और वो छोटा पीरियड यूजली क्या होता है, 1 ईयर का, कि 1 ईयर बाद मुझे क्या करना है, मुझे बैलेंस शीट बनानी है। जैसे हम 1 साल एक क्लास में पढ़ते हैं ना, उसके बाद हम अपना एग्जाम्स देते हैं और हमारी रिपोर्ट कार्ड आती है और हमें पता लगता है कि हमारे कितने कितने नंबर हैं, हमें क्या सब्जेक्ट किस में हम कम है, किस में हम ज़्यादा है, किस में कौन सा हमारा अच्छा चल रहा है। तो ऐसे ही अकाउंट्स में भी क्या है, अकाउंट्स में भी हमने एक पीरियड में डिवाइड कर लिया, हमने पीरियड में ब्रेक कर दिया, इनडेफिनेट पीरियड जो हमारे यहाँ बिजनेस चलेगा, कि हम 1 साल बाद बिजनेस का देखेंगे कि बिजनेस की हालत क्या है। तो हम पहले भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे लोग अपना क्वार्टरली भी बनाते हैं, हाफ ईयरली भी बनाते हैं, लेकिन जो मेन, जो गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि हाँ आप मुझे इनकम टैक्स जो पे करेंगे, कॉर्पोरेट टैक्स जो पे करेंगे वो साल में एक बार करेंगे, 1 साल को लेकर करेंगे, तो उसी बेसिस पे ही हमारा क्या होता है, हर साल हमारी बैलेंस शीट्स बनती है, हर साल हमारा प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है, बैलेंस शीट बनती है, उससे हम इवैल्यूएट भी करते हैं। तो बेसिकली जो हमारा जो ये प्रिंसिपल बोलता है कि 1 साल तो हमें इवैल्यूएशन करना ही करना है 1 साल के अंदर, तो इनडेफिनिट पीरियड को हमने क्या कर दिया, साल में ब्रेक कर दिया, कि हर साल हम इवैल्यूएट करेंगे अपने टैक्सेस जो भी है वो पे करेंगे, जो जो हमारी लूप होल्स है वो हम अपना सारे के सारे ओवरकम करेंगे। क्लियर, तो हम इसको क्या करते हैं, इसको
पढ़ते हैं अपनी थ्योरी के साथ और लिंक करते हैं जो हम अभी तक हमने समझा है। द अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या है? द अकाउंट्स ऑफ एन एंटरप्राइज आर मेंटेन्ड फॉलोइंग द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, जो अकाउंट्स है एंटरप्राइज का वो मेंटेन हो रहा है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट से। ठीक है, एज्यूमिंग दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू टू ऑपरेट फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड। बिजनेस चलता रहेगा इनडेफिनेट पीरियड तक। Thus the period up to which enterprise will continue to operate and therefore preparing accounts become meaningless to the user। अब देखो, हम ये सोच के बैठे हुए कि बिजनेस इनडेफिनेट टाइम तक चलता रहेगा, तो हम बनाएंगे इनडेफिनेट टाइम के बाद तो, लेकिन मुझे अगर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, आपकी कंपनी से मुझे कुछ खरीदना है, तो मैं इवैल्यूएशन किस बेसिस पे करूंगी? इवैल्यूएशन तो हो ही नहीं पाएगा क्योंकि आपने कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कुछ अकाउंट्स तो मेंटेन किए ही नहीं है। तो इसीलिए अगर हम ये सोच के बैठे रहे कि एंटरप्राइज जो है, जो एंटिटी है, वो लाइफ टाइम तक चलती रहेगी, तो और मैं एट द एंड में बनाऊंगी जब भी मेरा बिजनेस बंद होगा, तो यूजर्स के लिए वो अकाउंट सारे मीनिंगलेस रहते हैं। तो उसी चीज को ओवरकम करने के लिए जो लाइफ है एंटरप्राइज की, उसको हमने छोटे छोटे टाइम इंटरवल में डिवाइड कर दिया। जैसे आपका जो स्कूल होता है, स्कूल में क्या होता है, आपका एक साल एक क्लास में होता है, एक साल एक क्लास में होता है, उसके बाद आपकी रिपोर्ट कार्ड में इवैल्यूएशन होती है। ऐसे ही अकाउंट्स में भी एक साल का टाइम दिया हुआ है। एक साल में आपको क्या करना है, बनाने ही बनाने हैं प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट्स वगैरह, फिर आपके जो भी टैक्सेस वगैरह है वो आपको गवर्नमेंट को भी पे करने हैं, जो भी आपके लूप होल्स है वो आपको ओवरकम करने हैं, जो जिसमें जो भी आपकी गलतियाँ हो रही है बिजनेस को करने में, वो सारी चीज़ें ठीक करनी है। दस द लाइफ ऑफ द एंटरप्राइज इज डिवाइडेड इंटू टाइम इंटरवल टर्म एज अकाउंटिंग पीरियड। तो इसलिए हमने जो लाइफ है, जो भी इनडेफिनेट लाइफ जो है अपनी एंटरप्राइज की, उसको हमने टाइम इंटरवल में डिवाइड कर दिया है, ब्रेक कर दिया, और जो यूजली क्या होता है बच्चों, 1 ईयर। क्लियर? यहाँ पर 1 ईयर इसलिए दिया हुआ है क्योंकि हम गवर्नमेंट को जो टैक्सेस है वो भी 1 ईयर में ही पे करते हैं, तो इसलिए उससे भी कोरिलेट किया। क्लियर? अभी तक हमने 3 कंसेप्ट पढ़ लिए हैं, बिजनेस एंड अकाउंटिंग एंटिटी कंसेप्ट, उसमें हमने पढ़ा था बिजनेस अलग ऑनर अलग। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में बच्चों हमने पढ़ा है कि जो ही चीज़ हमें रिकॉर्ड करनी है, जो एक्सप्रेस हो सकती है मनी में। थर्ड पॉइंट क्या है, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। हमें अपनी जो हम काम कर रहे हैं उसको इवैल्यूएशन एक साल में करना ही करना है, तो ब्रेक कर दिया उसने इनडेफिनेट पीरियड को एक एक साल में। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों हम पढ़ते हैं अपना, नेक्स्ट हमारा जो है वो है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। देखो नाम से ही पता लग रहा है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल का, तो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल कह रहा है, फुल का क्या मतलब है, पूरा। ठीक है, फुल मतलब पूरा, और डिस्क्लोजर का क्या मतलब है, दिखाना, डिस्क्लोज करना। तो ये कह रहा है कि जो भी चीजें है ना, जो भी चीजें है अपनी, कंप्लीटली आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अकाउंट्स मेंटेन करते हुए डालनी ही डालनी है। ये नहीं है कि कुछ आप छुपा लो, कुछ भी छुपाना नहीं है, जो भी आपके बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो आपको डालनी ही डालनी है। जो भी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है, जो भी यूजर्स को अफेक्ट कर सकती है, जो भी आपका यूज कर रहा है, जो भी आपका पढ़ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो वो वाली आपको सारी की सारी अकाउंट्स में मेंटेन करनी है। अब देखो हम लिंक करते हैं मेनली, देखो यही है कि जैसे आप कुछ चीज़, मतलब अगर आप शर्ट वगैरह भी देखो, तो शर्ट पे भी टैग पे लिखा होता है ना, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ये चीज़ है, इसको श्रिंक हो जाएगी अगर आप ऐसे वॉश करोगे, तो इसको क्या ड्राई क्लीन करानी है, करानी है, उस टैग पे भी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। बस बेसिकली इसमें भी यही कार्य क्या है रखा है कि अकाउंट्स मेंटेन करते हो, आपको सारी की सारी चीज़ें डालनी है। ये नहीं है कि कुछ चीज़ें छुपा लो, और वो चीज़ें जो कि जो आपका यूज़र है, जो आपका पढ़ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसका डिसीजन बदल दे, मतलब उसका सोचने का नज़रिया बदल दे कि आपका बिजनेस कैसा है, वो वाली चीज़ें तो ज़रूर ही रिकॉर्ड करनी है जो कि अफेक्ट कर सकता है यूज़र को। ठीक है, देखते हैं हम थोड़ा सा लिंक करते हैं इसको फुल डिस्क्लोजर में क्या है। देयर शुड बी अ कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडिंग रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एंटिटी। वो क्या कह रहा है कि कंप्लीट और अंडरस्टैंडिंग रिपोर्टिंग करनी है हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, और सारी की सारी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन जो कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड हो वो हमें डालनी ही डालनी है। देखो, इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज और नॉट विल डिपेंड ऑन वेदर इट इज़ मटीरियल और नॉट। इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज किस पे डिपेंड होती है,
कि वो चीज़ मटेरियल, वो चीज़ काम की, मैंने आपको क्या बताया कि वो चीज़ सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन, वो चीज़ तो डालनी ही डालनी है जो कि यूज़र के डिसीजन को बदल दे, ठीक है, कि इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर पाए, मतलब जो अगर आपका सपोज आपने देखो क्या होता है, सपोज आपका कुछ केस चल रहा है, ठीक है, आपकी कुछ डिमांड वगैरह आई हुई है, डिमांड में क्या होता है आपने इनकम टैक्स भरा, तो गवर्नमेंट को अथॉरिटी को लग रहा है कि आपने कुछ ना कुछ इनकम टैक्स चोरी किया है, तो उसने डिमांड रेज कर दी, उसने कहा कि आपने 10 लाख सिर्फ इनकम टैक्स पे किया हुआ है, आपका 20 लाख बन रहा है, तो उसने क्या किया, डिमांड ऑर्डर इशू कर दिए, ठीक है, तो आपने कहा क्या ऐसे कोई नहीं है, हमने सही सही सब कुछ भरा है, तो हम अप्लाई करेंगे, हम आगे अथॉरिटी के पास जाएंगे, सारे पेपर्स दिखाएंगे, तो आपका क्या चल रहा है, केस चल रहा है, आपका केस चल रहा है, तो क्या करना है आपको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको भी लिखना है अपना कंटिजेंट लायबिलिटी के नाम से, एक देखो यहाँ हमारी क्या बनती है, बैलेंस शीट बनती है, बैलेंस शीट के नीचे हमारा एक फुट नोट बनता है, फुट नोट में क्या होता है, जो भी सारी एक ऐसी चीज़ है जो कि अभी आपको पता लग गई है, लेकिन आप कह रहे हो कि ये चीज़ मैं इसको ठीक कर लूंगा, जैसे कि फुट नोट में आपका कोर्ट केस ही चल रहा है, आपकी डिमांड आ गई 20 लाख की, कि आपको ये डिमांड पे करनी है 20 लाख की, लेकिन आप कह रहे हो कि मैं इसके अगेंस्ट केस लड़ के जीत जाऊंगा, लेकिन फिर भी आपको फुट नोट में डालना है कि मेरा ये केस चल रहा है और इसके अगेंस्ट मुझे डिमांड इतने की आई हुई है, क्लियर, मतलब इससे भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टर को मतलब इन्वेस्टर का डिसीजन भी इम्पैक्ट करेगा ना, मतलब इन्वेस्टर जो भी डिसाइड कर रहा है आपके बिजनेस के बारे में कि आपका बिजनेस ठीक चल रहा है नहीं चल रहा, वो कहीं ना कहीं जो आपके फुटनोट होते हैं, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन, वो सारी की सारी उसका डिसीजन चेंज कर सकती है, तो हमें सारी की सारी फुल डिस्क्लोजर करना है, हमारे कोई केस चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, कि जो बेसिकली हमें क्या समझना है कि वो इन्वेस्टर जो यूजर है उसका डिसीजन पे इम्पैक्ट डाल सकता है या नहीं डाल सकता। देखो आगे हम पढ़ते हैं, द पर्पस ऑफ दिस प्रिंसिपल इज टू कम्युनिकेट, जो पर्पस है इस प्रिंसिपल का क्या है, कम्युनिकेट करना, बताना कि सारे मटेरियल और रेलिवेंट फैक्ट जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है और जो रिजल्ट है उसके ऑपरेशन का यूजर्स को, ठीक है, क्लियर, कि ये मेरी फाइनेंशियल पोजीशन है और इसका इम्पैक्ट ये आएगा, इसका रिजल्ट ये आएगा, वो मुझे क्या करना है, सारे के सारे अपने यूजर्स को बताना, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर हम कुछ भी हाइड करेंगे तो वो चीज़ सही नहीं है, तो ये भी एक हमारा सिद्धांत है, ये भी हमारा एक प्रिंसिपल है कि वी हैव टू डिस्क्लोज एवरीथिंग रिलेटेड टू आवर एंटिटी टू द यूजर्स, दैट विल इन्फ्लुएंस हर डिसीजन, दैट विल इन्फ्लुएंस देयर डिसीजन, ओके क्लियर, तो ये भी हमारा हो गया फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पर ही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद मोर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, और किसी ने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको अपकमिंग वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे, थैंक यू।